राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बालोतरा में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और उसने रोहित गोदारा के नाम से फेक आईडी बनाकर धमकी दी थी। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया पेज पर लॉरेंस बिश्नोई के विदेश में रह रहे गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से उसे धमकी मिली थी और जिसके बाद रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के बालोतरा स्थित ऑफिस पहुंच गए थे। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं रालोद के नेता हैं प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमित जी, देखिए सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। एससी एसटी ओबीसी की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर, बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है, लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अमित जी, आप याद करिए, पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी? पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन भाई, रिश्ता ही ऐसा है, नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किससे डरता है, ये तो उनके पूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गरजने लगते हैं तो वो थर थर कांपने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमारे जो भाई अभिनंदन है उसको छोड़ दिया जाए। ये तो उनका कबूलनामा है। और चुनाव में एंट्री इसलिए होती है क्योंकि सारे घटक दल ये इंडिया अलायंस के मिल जाएं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी। लेकिन एक काउंट, गौरव, जॉर्ज कुरियन वन सेकंड, पाकिस्तान, जॉर्ज कुरियन वन सेकंड, लेकिन गौरव मेरा एक काउंटर सवाल आपसे ये है कि कुछ नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो, इसलिए वो राहुल जी को चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो फटीचर आतंकिस्तान जहां 70 साल में 35 साल तानाशाही रही है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फांसी लगा दी जाती है, वो जहां आटा खरीदने के लाले पड़े हुए हैं, वो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा देश हमें बताएगा? ये तो कांग्रेस
बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की कर्मचारी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उन्होंने इसे इंजीनियर नैरेटिव बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को रोक नहीं सकते। राजभवन ने एक्स, आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट भी की है, एक सीरीज में लिखा है कि राजभवन के कर्मचारियों ने माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के साथ एकजुटता व्यक्त की है। मुझे प्राइड है इंडिया। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, रालोद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमित जी, देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, एससी एसटी ओबीसी की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर, बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है, लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अमित जी, आप याद करिए, पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी? पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन भाई, रिश्ता ही ऐसा है, नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे डरता है? ये तो उनके पूर्व मंत्री